building a good body is not about hard work or training. It's about knowledge, because good health and fitness comes with knowledge. Subscribe and hit the bell icon for real knowledge. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education, mere channel mein aapka swagat hai. Dosto, jaisa ki aap jante hain, hamari series chal rahi hai kaise banegi body, aur usme kai videos aa chuke hain body building ke upar. बॉडी कैसे बनती है, बेसिक साइंटिफिक फैक्ट्स, और साथ ही सीरीज चालू है साइंस ऑफ सप्लीमेंट्स. सो हमने बार बार आपको बताया है कि बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में और हेल्थ के लिए ट्रेनर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है. एक नॉलेजेबल और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ट्रेनर जिसको नॉलेज है ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की, एक्सरसाइजेस की, प्रॉपर फॉर्म टेक्निक की, बल्कि एक्सरसाइज के साथ इंजरी प्रिवेंशन की नॉलेज बहुत जरूरी है. स्पोर्ट्स साइंस जिसको लोग कहते हैं, स्पोर्ट्स में नॉलेज बहुत जरूरी है, और ह्यूमन बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है इस बारे में एनाटॉमी को समझना. सो आज जो हम आपको बात बताने वाले हैं, ये भी एक तरीके की मिनी सीरीज होगी कैसे बनेगी बॉडी के बीच में, जिसका नाम होगा चेक योर ट्रेनर. कि आप अपने ट्रेनर को असेस करिए, अपने करंट ट्रेनर को आप असेस कैसे कर सकते हैं. कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग से लेके फिटनेस, जिम, बहुत सारे लोग करते हैं, और जो आपको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं देख के, चाहे वो YouTube पे वीडियो दिखा रहे हो, चाहे वो आपके सामने कर रहे हो, आप तुरंत देख के बता देंगे कि इसको पता नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है. सो आज मैं वो सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं, और आज मैं आपको उस सीरीज का पहला सबसे बड़ा, सबसे बड़ी मिस्टेक बताऊंगा जो आपके ट्रेनर भी हो सकता है कर रहे हो. और एक और बात, एक ट्रेनर ने हमें बताया था, हमसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, हम जब ट्रेनर की बात करते हैं, हम ज्यादातर ट्रेनर की बात करते हैं, हम दुनिया भर के हर ट्रेनर को नहीं कह रहे कि आप गलत हैं. तो कई ट्रेनर्स गलत हैं, कई बहुत अच्छे भी हैं. सो जो गलत हैं उनको पहचाने कैसे, सबसे पहला सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, आइए बात करते हैं. अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन, और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं. दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक, दोस्तों अगर आप बॉडी और पोस्चर के बारे में जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि जब आप खड़े होते हैं तब आपके लेग मसल्स और पैरों के नीचे जो काफ मसल्स हैं वो एक पंप है, वो एक पंप है, दूसरा सेकंड हार्ट बोलते हैं इसको. क्योंकि जब आप खड़े होते हैं, चलते हैं, कोई भी पैर की मूवमेंट करते हैं, तो वो ब्लड ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी पुश करता है कि ऊपर दिमाग तक जाए, हार्ट तक जाए, और उसके बगैर आपका सर्कुलेशन रुक जाएगा, आपको चक्कर आ सकता है. इसीलिए कई दफा ज्यादा देर खड़े रहने से चक्कर आ जाता है, कई दफा लोग जो बहुत देर तक बैठे रहते हैं उनको चक्कर आ जाता है, क्योंकि पैर की मूवमेंट नहीं होती, एरोप्लेन में लंबे समय जाने में दिक्कत आ जाती है. बात जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पैर बहुत जरूरी है, और पैरों की सही मूवमेंट बहुत जरूरी है. और आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो स्क्वाट्स कर रहे हो, लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्म्स की कर रहे हैं, योर लेग्स आर वर्किंग. आपके पैर फिर भी खड़े हैं, आप खड़े हो, आपकी वर्क चल रही, राइट? रिमेंबर दैट. नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट मिस्टेक इज लॉकिंग योर नीज. व्हेन आवर नी इज बेंट लाइक दिस, ऑलराइट, वी गेट टू यूज आवर क्वाड्रिसेप्स मसल्स एंड आवर ग्लूटियो मसल्स, and it takes a lot of strain, our pelvis gets a lot more freedom of movement here. However, when our knee locks back like this, it tends to produce this anterior tilt, or this forward tilt of the pelvis, and locks it in. And so what happens is that not only do we get stress at the back of the knee, but it turns off the gluteal muscles and it turns off the quadriceps muscles here. And this pelvic positioning also creates, can generate a lot of pain in the back here, and the pain can either be on one side or both sides. So from an innocuous little habit like just locking the knees a little bit when you stand to take some pressure off your legs, a lot of problems happen, especially over time when you do this again and again and again. And so what happens is often with a lot of people is they do this so often that they start walking with their knees locked as well. And so it creates a whole host of problems in not only the foot, but also the ankle, the knee, the hip, the pelvis, the back, and so forth. जी हाँ,
अगर आप देख रहे हैं किसी को कि वो स्क्वाट्स कर रहे हैं और वो नीचे जा रहे हैं और ऊपर आके फिर लॉक कर रहे हैं, ये जो लॉकिंग झटका है देखने से पता चल जाएगा आपको, ये आया और लॉक किया, ये आया और लॉक किया और रेस्ट, ये आया और लॉक किया और रेस्ट। उस चक्कर में जब उन्होंने वो लॉक किया, जिस वक्त उन्होंने वो नी लॉक किया, उस वक्त उनके पैर के सारे मसल से सारा प्रेशर हो गया जीरो और सारा भार, उनका भार, उन्होंने जो वजन उठाया वो भार सारा का सारा उनके नी जॉइंट पे, उनके जॉइंट्स पे, वो जॉइंट जो के बहुत ही ज्यादा भार उठा रहा है, बहुत प्रेशर में है, उस समय वो जॉइंट हिला, जरा भी हिले वो वजन रखने के लिए और कुछ भी हुआ, इतना प्रेशर से ही जॉइंट इंजरी होती है। जॉइंट के बीच में जो मिनिस्कस है वो टियर हो जाते हैं, उसके आसपास जो लैटरल आपके जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं वो टियर हो जाते हैं, राइट। ये सब क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या करना है। यू आर नॉट सपोज टू लॉक द नी, यू आर नॉट सपोज टू लॉक एनी जॉइंट व्हेन यू आर डूइंग अ मसल एक्सरसाइज। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक, दैट्स द बिगेस्ट गिव अवे ऑफ एन इमेच्योर ट्रेनर, ऑफ समवन हु डजंट नो हाउ टू एक्सरसाइज, राइट। अगर आप लॉक कर रहे हैं नी को जहां से स्क्वाट करने के बाद ऊपर आने के बाद, सो आप गलत कर रहे हैं। आप चाहे 200 किलो उठाओ, चाहे 400 किलो उठाओ, वो वैल्यू नहीं है अगर आप एक बार जाके ऊपर लॉक कर रहे हो। आपको उतना वजन उठाइए जिसमें आप बिना लॉक किए आपको आना है 90-95% ऊपर बस, ताकि प्रेशर मेंटेन रहे, फिर नीचे जाओ फिर ऊपर आओ। यही नहीं, जब आप दूसरी भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप खड़े होके आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, बाइसिकल कर रहे हो, चाहे खड़े होके लैटरल रेज मार रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय भी घुटने लॉक नहीं होने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपके लेग्स की मसल्स, आपके बटक्स, आपके कोर तभी एक्ट करेंगे, उस समय आपकी कोर स्ट्रेट रखेंगे जब आपकी घुटने की नी, घुटने लॉक नहीं होंगे। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच अ पर्सन डज इन द जिम, लॉकिंग द नीज, लॉकिंग द नीज, लॉकिंग द नीज। जाके देखिए अपने जिम में एक दिन के लिए, एक बार के लिए हर एक को एक्सरसाइज करते समय ऑब्जर्व करिएगा, ऐसे पता चल जाएगा कौन गलत कर रहा है। 90% लोग गलत करते हैं, 90%, 90 to 95, 99%। इवन अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेनर्स के वीडियोस निकाल के देखो यूट्यूब में, अभी निकाल के देख लो, वो भी आपको दिख जाएंगे स्क्वाट्स करते हुए, लॉक करते हुए। सबसे बड़ी मिस्टेक, एंड स्क्वाट्स इज द बिगेस्ट एक्सरसाइज ऑफ मिस्टेक इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो आप हैवी वेट उठा रहे हो, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो आप हैवी वेट उठा रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू लॉक योर नीज इवन इन डेडलिफ्ट, यू आर नॉट सपोज टू लॉक योर नीज एनीवेयर, राइट। लॉकिंग द नीज बेसिकली रेस्ट के लिए, वो तब जब आपके पास वजन नहीं है, वो तब थोड़ी देर के लिए लॉक करके आप अपने पैरों को रेस्ट देते हो। यू आर नॉट सपोज टू रेस्ट इन बिटवीन द सेट, इन बिटवीन द एक्सरसाइज, दैट इज रॉन्ग। डेडलिफ्ट हो, स्क्वाट्स हो, कोई भी पुश हो, लेग हो, उसमें लॉक नहीं करते, इवन लेग का जो वो होते हैं उसमें भी लॉक नहीं करते, दैट इज द की। इवन कोई भी एक्सरसाइज हो, चेस्ट की एक्सरसाइज हो, आप चेस्ट मार रहे हो, चेस्ट को ऐसे करके लॉक नहीं करते, नेवर लॉक, नेवर लॉक। अगर कोई लॉक करता हुआ दिख गया, रॉन्ग, ट्रेनर ही खराब है, आप गलत कर रहे हो। दैट इज द की हियर, नो जॉइंट शुड गेट लॉक्ड, 90% रहना चाहिए, बट ये और ये, ये और ये, ये और ये लॉक नहीं करना। जिसने लॉक किया वो गलत ट्रेनर है, उसको पता ही नहीं है, यही नहीं पता तो क्या फिर सर्टिफिकेशन और क्या ये और क्या बकवास, बताइए। एक बात बता दूं, देखिए कुक की डिग्री, एक कुक बहुत सारे बन सकते हैं, एक डॉक्टर बहुत सारे बन सकता है, एक टीचर बहुत सारा बन सकता, बहुत सारे लोग बन सकते हैं। क्या हर टीचर अच्छा सिखाने वाला होता है? नहीं। क्या हर डॉक्टर अच्छा होता है? नहीं। क्या हर कुक अच्छा खाना बनाता है? नहीं। तो हर सर्टिफिकेशन वाला बंदा अच्छा ट्रेनर नहीं हो जाता, ना ही उसे नॉलेज होता है, ना ही उसे हर चीज की जानकारी है। सो चेक योर ट्रेनर, क्या आपके ट्रेनर को ये बेसिक जानकारी है कि घुटने, नीज, जॉइंट्स, कोई भी एल्बो जॉइंट्स लॉक नहीं करते एक्सरसाइज के दौरान? अगर नहीं उसको पता, तो देन आपको बताया आप ज्यादा समझदार हो। ऐसे ही हम एक एक मिस्टेक्स, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आपके सामने लाते रहेंगे। दिस इज नंबर वन, आगे मिस्टेक्स आएगी इसी हैशटैग, इसी नाम से, चेक योर ट्रेनर। सो कैसे बनेगी बॉडी सीरीज फॉलो करिएगा, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, सपोर्ट करिए,
और जितना आप लाइक करेंगे उतने जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टिंग फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरूनगर दिल्ली एनसीआर। सो दिस इज माय चैनल, ऑल यू नीड टू डू टू स्टे हेल्दी इज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।